आप सभी का न्यू डान कोचिंग क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं आपका दोस्त हनुमान बाकर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश, और राजस्थान के भौतिक प्रदेश में सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश था पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। देखो दोस्तों, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में हमने हर चीज का पोस्टमार्टम किया है। कोई सी भी ऐसी चीज नहीं रखी उसके पीछे कि भाई यहां पर ये चीज पीछे रह गई। एक एक चीज मैंने बताई, थार का मरुस्थल कहां पर फैला हुआ है, भारत में कहां पर कौन से राज्य में फैला हुआ है, विश्व में और कहां पर फैला हुआ है, थार का मरुस्थल की लंबाई चौड़ाई, राजस्थान में थार के मरुस्थल की क्या महत्व है, क्या हानियां हैं, उसके बारे में मैंने आपको बताया। थार का मरुस्थल राजस्थान में कितने पार्ट पर फैला हुआ है, कितने जिलों में फैला हुआ है, कितना प्रतिशत फैला हुआ है, कितनी जनसंख्या निवास करती है, कैसी वहां पर वनस्पति है, कैसी फसलें उगाई जाती है, सारे डाटा हमने क्लियर कर रखे। देखो दोस्तों, हमने पढ़ा उस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में डिवाइड करके पढ़ा। पहला पढ़ा था हमने जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश से पहले एक और उसमें रह जाता है कि भाई जो बालू का मुक्त प्रदेश, तो वो तो पढ़ लिया, और बालू का युक्त प्रदेश वो तो पढ़ लिया हमने, और बालू का मुक्त प्रदेश हम पढ़ेंगे। एक छोटा सा पार्ट रह गया, थोड़ी सी जो श्रृंखला है बालू का जो मुक्त प्रदेश की, वो कौन सी श्रृंखला है राजस्थान में, उसके बारे में देखेंगे। देखो बालू का मुक्त क्षेत्र कौन सा है देखते हैं एक बार। बालू का मुक्त प्रदेश, देखो दोस्तों बालू का युक्त प्रदेश हमने पढ़ लिया कि भाई कौन कौन से क्षेत्र में बालू का जो स्तूप बने हुए हैं उसके बारे में हमने डिवाइड करके पढ़ा। कौन कौन से बालू का स्तूप होते हैं, किस प्रकार से राजस्थान में फैले हुए हैं, उसके बारे में हमने चर्चा की। अब देखो दोस्तों, बालू का मुक्त क्षेत्र पढ़ रहे हैं, जहां पर बिल्कुल बालू का स्तूप नहीं है वो कौन से क्षेत्र है देखते हैं एक बार। ये बालू का जो मुक्त प्रदेश है, यहां पर जैसलमेर और बाड़मेर वाले क्षेत्र में यहां पर बालू का मुक्त क्षेत्र है। जैसलमेर और बाड़मेर का जो संकीर्ण पट्टी क्षेत्र है, मालानी प्रदेश हो या जैसलमेर का पार्ट हो, यहां पर बालू का मुक्त क्षेत्र है दोस्तों। यहां पर क्या है, थोड़ा चट्टानी भाग आ जाता है, हेमादा का प्रकार आ जाता है, यहां पर बालू का मुक्त क्षेत्र है। और एक भाग यहां पर आ जाता है, बीकानेर और नागौर के क्षेत्र हो, चाहे बरसिंहसर क्षेत्र हो, बरसिंहसर हो, नागौर का मातासुख क्षेत्र हो, चाहे इग्यार क्षेत्र, ये क्षेत्र यहां पर बालू का मुक्त क्षेत्र है। ये छोटा भाग देख लेना भाई कि बरसिंहसर मातासुख ये नागौर का पार्ट है, यहां पर बालू का मुक्त क्षेत्र है, और जैसलमेर बाड़मेर का क्षेत्र है वो कैसा है, बालू का मुक्त क्षेत्र है। ये इतनी बात इस बालू का मुक्त क्षेत्र में देखनी है आपको, और ज्यादा कोई भाग नहीं है इसमें। ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में बालू का मुक्त क्षेत्र पड़ता है, जैसलमेर बाड़मेर और बीकानेर नागौर का क्षेत्र बालू का मुक्त क्षेत्र है, इतनी बात आपको देखनी है। अब हम जो अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, अगला भाग जो पढ़ेंगे वो होगा हमारा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा होगा? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, देखो दोस्तों, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को हमने ढंग से पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। देखो दोस्तों, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश 110,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 110,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 110,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और इसमें जो वर्षा की मात्रा है वो है 25 से 50 सेमी वर्षा की मात्रा है। यहां पर 25 से 50 सेमी वर्षा होती है, कितनी होती है, 25 से 50 सेमी यहां पर वर्षा होती है। 110,000
10,000 वर्ग किलोमीटर में यह भाग पर फैला हुआ है। इसको चार पार्टों में बांटा गया है। इस भाग को कितने भागों में बांटा गया है? चार पार्टों में बांटा गया है। यह आपको याद रखना है। कौन कौन से भाग है वो आपको ध्यानपूर्वक देखने। देखो दोस्तों, पहला भाग पढ़ेंगे हम गग्गर बेसिन। कौन सा भाग पढ़ने जा रहे हैं? गग्गर बेसिन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे शेखावाटी प्रदेश। क्या पढ़ने जाएंगे? शेखावाटी प्रदेश पढ़ेंगे। दोस्तों ध्यानपूर्वक इस चीज को सुनना है। क्या पढ़ेंगे हम? गग्गर बेसिन पढ़ेंगे, शेखावाटी प्रदेश पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे नागौर उच्च भूमि। क्या पढ़ेंगे? नागौर उच्च भूमि, और उसके बाद में पढ़ेंगे लूनी बेसिन। क्या पढ़ेंगे? लूनी बेसिन। इस चार भागों को हम पढ़ने जा रहे हैं। किसमें? अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश में। इन चारों भागों को हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम गगर बेसिन पढ़ेंगे, उसके बाद में हम शेखावाटी बेसिन पढ़ेंगे, उसके बाद में नागौर उच्च भूमि पढ़ेंगे, उसके बाद में हम लूनी बेसिन पढ़ने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, एक एक पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन चीजों में आपको अलग अलग फैक्ट मिलेंगे, उनको आपको याद करना है। देखो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे गग्गर बेसिन। क्या पढ़ेंगे? गग्गर बेसिन पढ़ेंगे दोस्तों। गग्गर बेसिन को ध्यान पूर्वक देखना है दोस्तों। अब ये गग्गर बेसिन फैला कहां पर है? गगर बेसिन है कहां कहां पर, उसको ध्यान पूर्वक देखना है। गगर बेसिन कहां कहां पर है? तो देखो दोस्तों, गगर बेसिन एक तो गंगानगर, एक हनुमानगढ़। एक तो गंगानगर, एक हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़ में गग्गर बेसिन फैला हुआ है। अपन को तो यह याद रखना है गग्गर बेसिन है कहां पर। तो आपको पता होना चाहिए जहां पर गग्गर नदी प्रवाहित होती है वहां पर गग्गर बेसिन है, और गग्गर बेसिन हनुमानगढ़ और गंगानगर में फैला हुआ है। गंगानगर और हनुमानगढ़ में गग्गर बेसिन फैला हुआ है। दोस्तों गग्गर बेसिन धीरे 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 विलुप्त की कगार पर है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो नदी है प्रवाहित होती है, यहां पर यह गग्गर नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी? गग्गर नदी प्रवाहित होती है, वो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों? विलुप्त हो रही है, धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, और विलुप्त हो रही है इसलिए इसे क्या नाम दे रखा है? इसलिए इसे मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी नदी के नाम से? मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह भी आपको पता होना चाहिए। गगर नदी धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, और विलुप्त होने की कंगार पर होने के कारण इसे मृत नदी की संज्ञा दी गई है। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। मृत नदी किसे कहेंगे? गगर नदी को कहेंगे। धीरे धीरे विलुप्त की कंगार पर है गगर बेसिन, यह भी याद रखना। यह राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र, आपको पूछा जाएगा कौन सा बेसिन राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है, तो पता होना चाहिए कि राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है वो कौन सा है? गग्गर बेसिन राजस्थान का सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। देखो गग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। इस गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाट या नाली कहा जाता है। जो प्रवाह क्षेत्र है इसको क्या कहा जाता है? पाट। इसके पाट है उसको क्या कहा जाता है? नाली कहा जाता है। यह भी आपको याद रखना। नाली मतलब विलुप्त हो रही है तो धीरे धीरे प्रवाहित हो रही है, या एक सिर्फ एक लाइन में प्रवाहित हो रही है तो इसलिए इस पार्ट को धीरे धीरे विलुप्त हो रही है तो एक नाली के समान बह रही है, तो इसके क्षेत्र को क्या कहा जाएगा? नाली कहा जाएगा। यह भी आपको पता होना चाहिए। और सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है राजस्थान का तो वो है गग्गर बेसिन। इतनी जानकारी इसके बारे में पता होनी चाहिए। देखो दोस्तों, जहां पर गग्गर नदी प्रवाहित होती है वहां पर हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई है। कालीबंगा सभ्यता, काली चूड़ियां, कालीबंगा, बंगा का मतलब होता है चूड़ियां, और काली का मतलब होता है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां कालीबंगा का अर्थ होता है। तो गगन नदी के प्रवाह क्षेत्र को पाट या नाली कहा जाता है। मृत नदी, विलुप्त की कंगार पर है यह नदी, और यह धीरे 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 विलुप्त हो रही है। और देखो दोस्तों,
कभी कभार इसमें यहां पर हिमाचल प्रदेश में इस क्षेत्र में पंजाब हरियाणा वाले क्षेत्र में कभी कभार बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ का पानी ये लेकर आती है और ये पाकिस्तान तक चली जाती है। पाकिस्तान में इस क्षेत्र को हकरा कहा जाता है, पाकिस्तान में इसके परवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हकरा कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। फोर्ट अब्बास तक चली जाती है, पाकिस्तान में एक जगह पड़ती है फोर्ट अब्बास, वहां तक चली जाती है और वहां पर इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, हकरा के नाम से जाना जाता है इसके प्रवाह क्षेत्र को, गग्गर के प्रवाह क्षेत्र को, यह भी इतनी बात आपको आनी चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा था गगर बेसिन, इतनी जानकारी गगर बेसिन में आपको याद रखनी है, कैसा भी क्वेश्चन उठा के पूछ ले तो आपको आना चाहिए, बहुत ही सही ढंग से तैयारी को लेकर चलना है ताकि आप सफलता की मंजिल को चूमें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले बेसिन की तरफ, अगला बेसिन है हमारा शेखावाटी बेसिन। कौन सा बेसिन? शेखावाटी बेसिन, दो नंबर का पार्ट पढ़ने वाले हैं शेखावाटी बेसिन। शेखावाटी बेसिन, अब देखो दोस्तों शेखावाटी बेसिन का नाम ही आ गया तो शेखावाटी किसे कहते हैं, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया ही था कि भाई शेखावाटी किस क्षेत्र को कहा जाता है, सीकर, झुंझुनू, चूरू, ये नागौर का उत्तरी भाग, इसको पूरा जो क्षेत्र है उसको शेखावाटी कहा जाता है। कौन कौन से क्षेत्र को? नागौर का क्षेत्र है, सीकर, झुंझुनू और चूरू का क्षेत्र को शेखावाटी कहा जाता है। मैं यहां पर लिख ही दूं, सिकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर का दक्षिणी भाग, नागौर का उत्तरी भाग, नागौर का उत्तरी भाग, ये किस बेसिन में आते हैं? तो ये शेखावाटी बेसिन में आते हैं। ये कौन से बेसिन में आते हैं? तो ये शेखावाटी बेसिन में आते हैं। कौन कौन से जिले? तो सीकर, झुंझुनू, चूरू और नागौर का उत्तरी भाग इस शेखावाटी बेसिन में आते हैं। यह आंतरिक अफवाह तंत्र का क्षेत्र है, यह शेखावाटी बेसिन किसका क्षेत्र है? आंतरिक अफवाह तंत्र का क्षेत्र है, आंतरिक अफवाह तंत्र का क्षेत्र है। यहां पर सर्वाधिक आप आंतरिक अफवाह तंत्र पाया जाता है। यहां पर एक नदी प्रवाहित होती है, इस नदी का नाम है गग्गर नदी, सॉरी कांतली नदी, कांतली नदी, इस बेसिन में एक नदी प्रवाहित होती है कांतली नदी, यह भी याद रख लेना। कांतली का उद्गम क्षेत्र है खंडेला की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? खंडेला की पहाड़ियां। खंडेला की पहाड़ियां से इस नदी का उद्गम होता है शेखावाटी में, सीकर जिले से, सीकर जिले से कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है, ये आंतरिक अफवाह तंत्र की नदी है। ये झुंझुनू के पास में मंडला नामक स्थान है, वहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है, वहां पर क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है ये कांतली नदी। इस कांतली नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता विकसित है। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता विकसित की गई है। तामर युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है किसको? गणेश्वर सभ्यता को। कौन सी नदी के तट पर है? कांतली नदी के तट पर। एक तो बात ये याद रखनी, कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से, सीकर से निकलती है। खंडेला की पहाड़ियां कहां पर है? तो सीकर में खंडेला की पहाड़ियां हैं, ये अपन को याद रखना है। सीकर में खंडेला की पहाड़ियां, वहां से कांतली नदी का उद्गम होता है। गणेश्वर सभ्यता वहां पर विकसित हुई, कहां पर? शेखावाटी, सीकर जिले, याद रखना है इन चीजों को। अब दूसरी बात यह है, इस शेखावाटी बेसिन में कच्चे पक्के कुएं, कच्चे पक्के कुएं, उन कुओं को स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोहड़ कहा जाता है। इस चीज को ध्यानपूर्वक देखना, स्थानीय भाषा में जोहड़ कहा जाता है। आपको सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, जोहड़ क्या है, या शेखावाटी बेसिन में कच्चे पक्के कुओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो आपका सही सही आंसर होना चाहिए, जोहड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जोहड़ कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना। यार मैं पहले ही बता दिया है, इसमें जो भी फैक्ट आएंगे वो आपको याद रखने रखने।
दोस्तों बढ़ते हैं आगे कि भाई सेकावाटी बेसिन में जो तालाब होते हैं उन तालाबों को क्या कहा जाता है। जो सेकावाटी बेसिन में जो तालाब होते हैं, तालाब, इन तालाबों को क्या कहा जाता है? सर या सरोवर, या तो सर या सरोवर। सेकावाटी बेसिन में जो भी तालाब होते हैं उनको सर या सरोवर कहा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों इतनी जानकारी इसके बारे में आपको आनी चाहिए। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं, सेकावाटी बेसिन है कहां पर, तो आपको पता होना चाहिए सिक्कर, झुंझुनू, चूरू और नागौर का उत्तरी भाग सेकावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। कौन से भाग से? सेकावाटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, सेकावाटी बेसिन है आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्र है। किसका क्षेत्र है? आंतरिक अपवाह तंत्र का क्षेत्र सेकावाटी बेसिन है, यह आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस क्षेत्र में आंतरिक अपवाह तंत्र की एक नदी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम है क्या? कांतली नदी। और निकलती कहां से? सिक्कर के खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है और मंडेला, झुंझुनू वहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। उसके बाद में देखना दोस्तों, जो ये कांतली नदी है, इस नदी के तट पर एक सभ्यता विकसित हुई है, एक सभ्यता डेवलप हुई है, उस सभ्यता का नाम है गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। और गणेश्वर सभ्यता को तामर युगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तामर युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। यह बात आपको याद रखनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, हर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, यहां पर कच्चे पक्के जो कुएं बनाए गए हैं सिंचाई करने के लिए, जो कुएं बनाए गए हैं उन कुओं को स्थानीय भाषा में जोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोड़ कहा जाता है। याद रखना, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे तो आता है वहां पर जो तालाब है, जो पानी इकट्ठा कर रखा है, उन तालाबों को सर या सरोवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर या सरोवर कहा जाता है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। किस बेसिन में? सेकावाटी बेसिन। बढ़ते हैं तीन नंबर का जो पार्ट है, नागौर उच्च भूमि। नागौर उच्च भूमि, नागौर नागौर उच्च भूमि की ओर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है नागौर उच्च भूमि। सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि भाई नागौर उच्च भूमि में कौन कौन से जिले सम्मिलित है। नागौर उच्च भूमि में कौन कौन से जिले सम्मिलित है? एक तो नागौर हो गया, एक पाली हो गया, एक अजमेर हो गया, एक जोधपुर हो गया। यह नागौर उच्च भूमि में, नागौर, पाली, अजमेर, जोधपुर का भाग नागौर उच्च भूमि में आता है। और नागौर उच्च भूमि में इस पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र के भूगर्भ में सर्वाधिक माइकोसिस चट्टाने हैं। सर्वाधिक माइकोसिस चट्टाने यहीं पर है, तो इसलिए यहां पर जो क्षेत्र है, यहां पर जो क्षेत्र है माइकोसिस चट्टान है। यहां पर जो भी जिले हैं वो खारे पानी के जिले हैं। किसके कारण? इस माइकोसिस चट्टाने के कारण। यहां पर जो पानी है उसमें खारापन ज्यादा है, तो खारापन ज्यादा होने के कारण या उसमें पानी में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण यहां के लोगों में फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग? फ्लोरोसिस रोग। पानी की मात्रा में फ्लोराइड ज्यादा है। फ्लोराइड क्या है? सर्वाधिक है। और फ्लोराइड सर्वाधिक होने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस रोग हो जाता है। इस रोग के प्रमुख लक्षण है कुबड़पन। इस रोग के प्रमुख लक्षण क्या है? कुबड़पन। इस फ्लोरोसिस रोग के प्रमुख लक्षण है कुबड़पन।
मनुष्य कुबड़पन आ जाता है, मनुष्य में क्या आ जाता है, कुबड़पन आ जाता है। याद रखना दोस्तों, कुबड़पन सर्वाधिक आ जाता है नागौर उच्च भूमि क्षेत्र माइकोसिस चट्टाने होने के कारण, यहां के पानी में लवणता ज्यादा है और लवणता ज्यादा होने के कारण यहां पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है और वो सर्वाधिक होने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है और फ्लोरोसिस रोग होने के कारण मनुष्य के शरीर में कुबड़पन आ जाता है और इस क्षेत्र को इसलिए कुबड़ पट्टी कहा जाता है। इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है, कुबड़ पट्टी। यह कुबड़ पट्टी क्षेत्र है और नागौर जो इस क्षेत्र में नागौर उच्च भूमि में सर्वाधिक कुबड़ पट्टी क्षेत्र कौन से जिलों में सर्वाधिक कुबड़ पट्टी, सर्वाधिक कुबड़ पट्टी कहां पर है आपको पूछा जाएगा, सर्वाधिक कुबड़ पट्टी कहां पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए नागौर और अजमेर। नागौर और अजमेर इन दोनों जिलों में सर्वाधिक कुबड़ पट्टी क्षेत्र है, सर्वाधिक कुबड़पन वाले लोग हैं यहां पर, सर्वाधिक शरीर घुमावदार हो जाता है, शरीर झुक जाता है आगे की तरफ, शरीर में ऐंठन आ जाती है, कुबड़ पट्टी क्षेत्र हो जाता है पूरा पूरा। तो नागौर और अजमेर एक ऐसा क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक कुबड़ पट्टी है। आपको पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, कुबड़ पट्टी वाले जिले कौन से हैं, तो नागौर और अजमेर कुबड़ पट्टी वाले जिले होता क्यों है, क्योंकि इस क्षेत्र में पानी की जो लवणता है वो सर्वाधिक है, लवणीय मात्रा सर्वाधिक है। वह क्यों है, क्योंकि इसके क्षेत्र में या इसके जो भूगर्भ है इस क्षेत्र का, वहां पर माइकोसिस चट्टानों की मात्रा सर्वाधिक है, इसके कारण यहां पर जो जल में है वो लवणता ज्यादा है और लवणता ज्यादा होने के कारण यहां पर फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण फ्लोरोसिस रोग हो जाता है और फ्लोरोसिस रोग होने के कारण शरीर में कुबड़पन आ जाता है और कुबड़ पट्टी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और कुबड़ पट्टी क्षेत्र सर्वाधिक कहां पर है, नागौर और अजमेर वाला भाग सर्वाधिक कुबड़ पट्टी वाला क्षेत्र। दोस्तों ध्यान रखना, एक एक पॉइंट याद रखना, मैं क्या पढ़ा रहा हूं उसका नॉलेज रखना कि भाई कितनी उसमें सच्चाई है, कितना यहां पर सच्चाई से आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है ये राजस्थान ज्योग्राफी का, जो ये पार्ट पढ़ा रहा हूं मैं राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जो आने वाले सभी लेक्चर में बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण साबित होने वाले हैं। दोस्तों अगला हम पार्ट पढ़ने जा रहे हैं लूनी बेसिन का। कौन सा बेसिन, लूनी बेसिन का पार्ट पढ़ेंगे। ये लूनी बेसिन लो, सबसे पहले तो अपन को ध्यान करना है कि लूनी बेसिन में जिले कौन कौन से, लूनी बेसिन में जिले कौन कौन से उसका पता लगाना है। तो लूनी बेसिन में जिले हैं दोस्तों याद रखना, एक तो आ जाएगा दक्षिण नागौर, नागौर का कौन सा भाग, दक्षिणी भाग, पाली, जालौर, ये क्षेत्र लूनी बेसिन में पड़ता है। एक अजमेर और देख लो, एक अजमेर, यह लूनी बेसिन में यह क्षेत्र पड़ता है। दोस्तों यह बेसिन, इस बेसिन में लूनी नदी प्रवाहित होती है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, लूनी नदी प्रवाहित होती है, यह ध्यान रखना है। कौन सी नदी प्रवाहित होती है, लूनी नदी प्रवाहित होती है। लूनी नदी प्रवाहित होती है कहां पर होती है दोस्तों, इस बेसिन में लूनी नदी प्रवाहित होती है और लूनी नदी का जल इस जो बालोतरा वाला भाग है, बाड़मेर का जो क्षेत्र आता है, बालोतरा वाला भाग है, वहां पर इसका पानी खारा हो जाता है। पहले मीठा होता है उसके बाद में खारा हो जाता है, इसलिए इसे आधी मिट्टी और आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है, आधी मिट्टी और आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी बात यह है, यह पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्र भाग है, सर्वाधिक आर्द्र भाग है। आपको पूछा जाएगा कि पश्चिमी राजस्थानी या पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश में सर्वाधिक आर्द्र भाग कौन सा है, तो आपका आंसर होना चाहिए लूनी बेसिन।
कौन सा बेसिन दोस्तों? लूनी बेसिन पश्चिमी राजस्थान का सर्वाधिक आद्र भाग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना दोस्तों। पेन गिर रहा है, पेन इसलिए गिरा है क्योंकि ये छपेगा, ये क्वेश्चन छपने वाला है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन छपने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है लूनी बेसिन, याद रखना। सर्वाधिक आद्र भाग है पश्चिमी राजस्थानी प्रदेश का या पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी, इसको ध्यानपूर्वक चीजों को पढ़ना है। यह हमारा था अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, चार पार्टों में बांटा इसको और एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ा है दोस्तों। अब कुछ फैक्ट बचे हैं, अब फैक्टों को पढ़ने वाले हैं हम, कौन कौन से फैक्ट हैं देखो दोस्तों, हम फैक्ट पढ़ने वाले हैं, ध्यानपूर्वक देख लेना। क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्ट पढ़ेंगे, महत्वपूर्ण बातें हैं, फैक्ट पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट। जैसे दरियन, मरुस्थलीय भाग के फैक्ट हैं, दरियन दरियन पढ़ेंगे, दरियन क्या है। दूसरी भाग रन या टाट, इसके बारे में पढ़ेंगे, रन या टाट क्या है। उसके बाद में पलाया जिले पढ़ेंगे, कौन सी जिले? पलाया जिले, पलाया जिले या खडीन कृषि, या इसको क्या बोला जाएगा, खडीन कृषि। और क्या पढ़ने वाले? पीवना सरप पढ़ेंगे, ये क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये पश्चिमी राजस्थानी प्रदेश के फैक्ट हैं, उसको महत्वपूर्ण जो भी चीज आएगी उसमें आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद में क्या पढ़ने वाले हैं? उसके बाद में क्या पढ़ेंगे? देखो, धरियन पढ़ लेंगे, रन टाट पढ़ लेंगे, पलाया जिले पढ़ लेंगे, पीवना सरप पढ़ लेंगे, पीवना सरप के बाद में जलपट्टी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? जलपट्टी, जलपट्टी पढ़ लेंगे। उसके बाद में मरुस्थल मार्च पढ़ेंगे, मरुस्थल का मार्च पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मरुस्थल का मार्च पढ़ेंगे। और क्या पढ़ने वाले हैं? अकलवुड फॉसिल पार्क पढ़ेंगे, अकलवुड फॉसिल पार्क पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? अकलवुड फॉसिल पार्क पढ़ेंगे, मरुस्थल का मार्च पढ़ेंगे, अकलवुड फॉसिल पार्क पढ़ेंगे, जलपट्टी पढ़ेंगे, पीवना सरप पढ़ेंगे, रन टाट पढ़ेंगे, दरियन पढ़ेंगे, और क्या पढ़ने वाले? तली पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों? तली। ये जो आठ फैक्ट है इसको हम क्लियर करते रहेंगे, एक एक चीज को क्लियर करेंगे, इसका पोस्टमार्टम करेंगे, ताकि आपको समझ में आए ये पश्चिमी जो रेगिस्तानी प्रदेश है इसमें ये क्या है, मरुस्थल मार्च क्या है। सीधा सीधा पूछ लेते हैं, अकलवुड फॉसिल पार्क क्या है, तल्ली क्या है, दरियन क्या है, रन टाट क्या है, खडीन कृषि क्या है, तो ये सारे चीजें हम क्लियर करते रहेंगे दोस्तों। तो एक एक करके सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं दरियन, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? दरियन के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? दरियन के बारे में पढ़ने वाले हैं। दरियन पढ़ेंगे, देखो ध्यानपूर्वक इस चीज को सुनना है, दरियन क्या होते हैं। देखो दोस्तों, दरियन जैसलमेर जिले में
बालू का स्तूपों का स्थानांतरण धरियन कहलाता है। धरियन किसे कहते हैं? जैसलमेर जिले में। कहां पर? जैसलमेर जिले में बालू का स्तूपों का स्थानांतरण बालू का स्तूपों का स्थानांतरण स्थानांतरण क्या कहलाता है? धरियन कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, धरियन क्या है? बालू का स्तूपों का स्थानांतरण सर्वाधिक कहां पर है? जैसलमेर जिले में। कहां पर है? जैसलमेर जिले में बालू का स्तूपों का स्थानांतरण क्या कहलाता है? धरियन कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को याद रखना। सीधा सीधा फैक्ट पूछा जाता है, धरियन क्या है? सर्वाधिक धरियन है कहां पर? तो जैसलमेर जिले में सर्वाधिक धरियन है, यह आपको याद रखना है। देखो दोस्तों, ये सारी चीजें आपको एक एक करके याद रखनी है। उसके बाद में हम देखेंगे दोस्तों, उसके बाद में देखेंगे अगला पार्ट पढ़ेंगे। धरियन पढ़ लिया, धरियन के बाद में हम पढ़ेंगे खडिन। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? खडिन। खडिन क्या है? खडिन के बारे में पढ़ेंगे। खडिन क्या है? इस चीज को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट देखना है भाई, खडिन क्या है? देखो दोस्तों, खडिन जैसलमेर जिले में जो जहां पर निम्न तल का जो भाग होता है, कौन सा भाग? निम्न तल का जो भाग होता है उसमें पानी ठहर जाता है। यह निम्न तल का भाग है, यहां पर पानी ठहर गया। यह निम्न तल का भाग है, यहां पर पानी ठहर गया। निम्न तल के जो भाग में पानी एकत्रित हो जाता है उसे पलाया जिले कहते हैं। कौन से जिले कहेंगे? पलाया जिले। पलाया जिले जब सूख जाती है तो यहां पर कृषि की जाती है। यहां पर क्या की जाती है? कृषि की जाती है। इस कृषि को खडिन कृषि कहा जाता है। इस कृषि को क्या कहा जाता है? खडिन कृषि कहा जाता है। यह सर्वाधिक कृषि कौन करते हैं? पालीवाल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? यह क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, याद रखना। पालीवाल ब्राह्मण यहां पर जो कृषि करते हैं वो कौन से ब्राह्मण करते हैं? पालीवाल ब्राह्मण करते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? खडिन कृषि या पलाया जिले कहा जाता है। यहां पर निम्न तल की जो जिले होगी उसको पलाया जिले कहा जाएगा। दोस्तों ध्यानपूर्वक इस चीज को याद रखना है। और जैसलमेर के जो शासक है खडिन कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर के जो भी शासक है वो खडिन कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको याद रखना है। जैसलमेर के शासक खडिन कृषि के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर के शासक खडिन कृषि के लिए प्रसिद्ध है, यह भी आपको याद रखना है। और पालीवाल ब्राह्मण यहां पर यह कृषि करते हैं। कौन से ब्राह्मण? पालीवाल ब्राह्मण यहां पर कृषि करते हैं, उसे खडिन कृषि कहा जाता है। यह पलाया जिले हैं। यहां पर निम्न तल के जो भी भाग होता है वहां पर पानी एकत्रित हो जाता है, और पानी एकत्रित हो जाने के कारण वहां जिलों का निर्माण होता है, उसे पलाया जिले कहा जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है दोस्तों। ये खडिन कृषि है। कौन सी? खडिन कृषि या पलाया जिले। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे तो अगला भाग आएगा पीवणा सरप। कौन सा सरप? पीवणा सरप। देखो पीवणा सरप जैसलमेर बाड़मेर जो भी रेगिस्तानी प्रदेश है, राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वहां पर यह सरप है, वो जो सर्वाधिक है। यह डसता नहीं है दोस्तों। यह सरप क्या नहीं करता है? डसता नहीं है। यह सांस को रोकता है, मनुष्य की सांस को रोकता है। यह पीवणा सरप पीता है सांस को, जो भी ऑक्सीजन अंदर जाती है उसको अंदर जाने नहीं देता है। यदि हमारे जो सांसों से ऑक्सीजन अंदर जाएगी उसको यदि रोका जाए तो दम घुटने के कारण आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो यही काम कौन करता है? यह पीवणा सरप करता है। यह जैसलमेर में सर्वाधिक है।
ये कहां पर सर्वाधिक है? जैसलमेर में सर्वाधिक है। जैसलमेर में सर्वाधिक है। कलर कैसा होता है? पीला होता है। पीवड़ा नाम है, कलर भी इसका पीला होता है। पीता है, क्या करता है ये? पीता है दोस्तों। इतनी जानकारी इसके बारे में आपको याद में रखनी, पीवड़ा सर्प के बारे में। उसके बाद में देखो दोस्तों, अगला पार्ट है, यहीं पर बता दूं मैं, रन या टाट। ये क्या होता है? रन टाट क्या होता है? रन टाट क्या होता है दोस्तों? ये ध्यान पूर्वक देख लेना, रन टाट क्या है? दो बालू का स्तूपों के मध्य जो दलदली भूमि होती है, दो बालू का स्तूपों के मध्य जो दलदली भाग होता है, उसमें पानी एकत्रित हो जाता है। क्या हो जाता है? पानी एकत्रित हो जाता है, और पानी एकत्रित होने के कारण वहां की जो भूमि है, ज्यादा दिनों तक पानी रहेगा वहां पर, और ज्यादा लवणीय भूमि है वहां पर, क्योंकि माइकोसिस चट्टाने ज्यादा है, तो लवणीय भूमि होने के कारण वहां पर पानी एकत्रित हो जाता है, और वह भूमि क्या हो जाती है? अनुपजाऊ होती है। क्या? अनुपजाऊ भूमि। अनुपजाऊ भूमि हो जाती है क्योंकि वहां पर लवणीय पानी एकत्रित हो जाता है। लवणीय पानी एकत्रित हो जाता है, और लवणीय पानी एकत्रित होने के कारण यहां की भूमि अनुपजाऊ होती है, और उस क्षेत्र को रन या टाट कहा जाता है। पानी एकत्रित हो जाता है तो एकत्रित होने के कारण उस क्षेत्र को रन या टाट कहा जाता है। और रन टाट, सर्वाधिक रन टाट जैसलमेर जिले में। सर्वाधिक रन टाट कहां पर है? जैसलमेर जिले में सर्वाधिक रन टाट है। आपको पूछा जाए सर्वाधिक रन टाट कहां पर है, तो जैसलमेर जिले में सर्वाधिक रन टाट है। एक दो में रन टाट का नाम लिखूं, कौन कौन से हैं, तो नाम देखो, पणियारी, पणियारी भाकरी, पणियारी और भाकरी, थोम, एक और कौन सा है? थोम, पणियारी, भाकरी और थोम बाड़मेर में सबसे बड़ा है। थोम बाड़मेर में कहां पर है? थोम बाड़मेर में थोम है, यहां पर लिख रहा हूं बाड़मेर वाला। यह थोम रन टाट है, यह बाड़मेर में सबसे बड़ा रन टाट है। पणियारी भाकरी जैसलमेर में, एक पोकरण भी है यहां पर, ये लो पोकरण, ये जैसलमेर में तीनों, और थोम कहां पर है? बाड़मेर में। इसको भी याद रख लेना दोस्तों। एक बाप जोधपुर में, एक बाप, बाप रन टाट, ये कहां पर है? जोधपुर में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये रन टाट है, अनुपजाऊ भूमि में या लवणीय भूमि, जो लवणीय पानी है वहां पर आ जाता है, तो वहां पर लवणीय भूमि हो जाती है, और लवणीय भूमि होगी तो वहां पर अनुपजाऊ भूमि होगी, और अनुपजाऊ भूमि को ही इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रन या टाट कहा जाता है। यह ध्यान पूर्वक देख लेना दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यह हो गया रन टाट, हो गया पीवड़ा सर्प, हो गया। आगे बढ़ेंगे तो अगला पार्ट पढ़ेंगे हम, जल पट्टी। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? जल पट्टी पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया इसमें से क्वेश्चन आने वाला है जल पट्टी में। देखो दोस्तों, जल पट्टी कोई लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। जल पट्टी कोई क्या कहा जाता है? लाठी सीरीज क्षेत्र कहा जाता है। ये कहां से शुरू होती है? देखो, यह जलपट्टी पोकरण से शुरू होती है और 60 किलोमीटर लंबाई में मोहनगढ़ तक फैली हुई है। कहां तक फैली हुई? मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर लंबी फैली हुई। पोकरण से मोहनगढ़ तक 60 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। इस क्षेत्र में सेवन घास सर्वाधिक है। कौन सी घास सर्वाधिक है दोस्तों? याद रखना, सेवन घास सर्वाधिक है। कौन सी घास? सेवन घास सर्वाधिक है।
सेवन घास सर्वाधिक है भाई, याद रखना इस जल पट्टी में सेवन घास सर्वाधिक है, और सेवन घास को गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है। गोडावण की शरण स्थली कहा जाता है, गोडावण की शरण स्थली सेवन घास को कहा जाता है। देखो दोस्तों, सेवन घास का वैज्ञानिक नाम है लेसी यूरुस सेंडिगुस, लेसी यूरुस सेंडिकुस, लेसी यूरुस सेंडिकुस इसका वैज्ञानिक नाम है सेवन घास का, यह भी पता होना चाहिए। गोडावण की शरण स्थली है। सेवन घास को लीलोन धमन भी कहा जाता है, लीलोन धमन, जो दुधारू पक्षियों के लिए, जो दुधारू पशुओं के लिए बहुत ही लाभदायक है। दुधारू जो पशु होते हैं उनके लिए लीलोन धमन सेवन घास बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इसमें क्या होती है, कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो सर्वाधिक होती है, दूध देने में वो अहम भूमिका निभाती है। तो इतनी बात याद रखनी। यहां पर एक चंदन नलकूफ है, कौन सा नलकूफ, चंदन नलकूफ, यहां पर एक चंदन नलकूफ है इस जलपट्टी में, चंदन नलकूफ, जिसे थार का मीठे पानी का घड़ा कहा जाता है, जिसे थार का मीठे पानी का स्रोत या घड़ा कहा जाता है, यह भी याद रख, चंदन नलकूफ मीठे पानी का थार का घड़ा है यह। यहां पर एकमात्र ये जगह थी जहां पर मीठा पानी मिलता था थार में, मतलब रेगिस्तान, इसलिए इसे मीठे पानी का थार का गड़ा कहा जाता है। इस जल पट्टी में है, इस लाटी सीरीज क्षेत्र में है, यह याद रखना दोस्तों। बहुत ही अच्छी चीजें हैं याद रखना, काम की चीजें हैं, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, काम आने वाली चीजें हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आता है मरुस्थलीय मर्च, जो मैं काफी देर से चर्चा कर रहा हूं। जब मैंने बरखान बालू का स्तूप पढ़ाए तब मैंने कहा मरुस्थल का आगे बढ़ना मरुस्थलीय मर्च कहलाता है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, मरुस्थलीय मर्च किसे कहेंगे, मरुस्थल का आगे बढ़ना मरुस्थल का मर्च कहलाएगा, मरुस्थल का आगे बढ़ना मरुस्थल का मर्च कहलाएगा। और उसके बाद में पेवड़ा सरप हो गया, अक्कलवुड फॉसिंग पार्क, कौन सा पार्क, अक्कलवुड फॉसिंग पार्क, ध्यानपूर्वक देखना दोस्तों, अक्कलवुड फॉसिल पार्क, अक्कलवुड फॉसिल पार्क। देखो इस नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, इस नाम में इसका अर्थ छुपा हुआ है, ध्यानपूर्वक इस चीज को देखो कि अक्कल गांव का नाम है, वुड लकड़ी का नाम है, फॉसिल जीवाश्म का नाम है, पार्क पार्क लकड़ी का, जीवाश्म का पार्क, मतलब अक्कल गांव में है, कौन सा गांव है, अक्कल गांव, वुड लकड़ी फॉसिल जीवाश्म पार्क कहां पर है, जैसलमेर के अक्कल गांव में, जैसलमेर के अक्कल गांव में लकड़ी का जीवाश्म पार्क है। आज से 18 करोड़ वर्ष पहले का जुरैसिक काल का, कौन से काल का है, जुरैसिक काल का, और जुरैसिक काल कब था ये आज से 18 करोड़ वर्ष पहले था, 18 करोड़ वर्ष पहले, जुरैसिक काल था। अक्कल गांव जैसलमेर लकड़ी जीवाश्म पार्क जुरैसिक काल 18 करोड़ वर्ष पहले की बात है ये। वहां पर बड़े बड़े 25 बंद जो पिंजरे हैं उनमें ये जीवाश्म है, जो पत्थर के समान बहुत कठोर है क्योंकि बहुत पुराने हो गए, लकड़ी के गट्टे हैं
18 करोड़ वर्ष पहले की बात है, जीवाश्म परख है, यह आपको याद रखना। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है इसमें दोस्तों। यह हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो पहला भौतिक प्रदेश था वो कंप्लीट हो गया। एक एक चीज मैंने आपको पोस्टमार्टम करके पढ़ाई है, इसमें बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। एक एक चीज आप लिखकर याद करना, हर एग्जाम में मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद, अगले भौतिक प्रदेश में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।